लोगों को पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की कमी है, तो हम लोग जो ओपीडी में रूटीनली मरीज देखते हैं या आईसीयू में जाकर के पेशेंट देखते हैं, और हमें नहीं मालूम होता कि हम कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, और शक होता है कि कभी उनके पास से ना आ जाए, तो मैं एक बहुत सिंपल सा इनोवेशन आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर हम ये एक कैप, जो हमारी सर्जिकल कैप होती है जो नॉर्मली रूटीनली इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर हमने एक ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो लगाई हुई है, जिससे कि हम डायरेक्टली पेशेंट अगर कोई छींकता है या कोई खांसी करता है तो उसका जो सिक्रीशंस हैं या उसके जो फोमाइट हैं वो हमारे पास तक ना पहुँचें, और इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी एक जो स्लाइड ट्रांसपेरेंसी बाज़ार में आती है वो आप ट्रांसपेरेंसी ले सकते हैं, और इस ट्रांसपेरेंसी को आपने सीधा रखना है। दूसरा, ये जो हमारी सर्जिकल कैप आती हैं वो आप लेंगे, और उस कैप को आपको मालूम है कि इस कैप को ऐसे करके पहना जाता है, तो आपने उस कैप को ऐसे करके रखा, और इस ट्रांसपेरेंसी को आपको इस कैप पे आगे की तरफ आधा एक तरफ और आधा एक तरफ लगाना है, जिससे कि ये हो जाए। इसके लिए आपको सिंपल सा ये करना है कि आपने ट्रांसपेरेंसी को यहाँ रखा, और रख के एक ही जो डबल साइडेड टेप होती है मिल जाती है स्टेशनरी वालों के पास, उसको आपने लिया, और उस डबल साइडेड टेप को इसके ऊपर बिल्कुल एंड पे चिपका दिया। चिपका करके इसको कैंची से काटा, और दूसरी तरफ जो है इसकी, इसको परत को छुटा दिया। छुटा करके कैप इस पे आपने आधी एक तरफ आधी इस तरीके से कैप को चिपका दिया। तो ये अब आपकी जो है वो कैप तैयार हो गई। अब आप इसको आराम से अपने सर पे ऐसे करके लगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको पूरा कवर कर देगी, जिससे कि आपकी कोई भी चीज़ डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, और इसको संभालना भी काफ़ी आसान है। जब आपने इस्तेमाल किया उसके बाद इसको हटा लिया, और हटा करके आप इसको टेप से पूछ सकते हैं, और इसमें स्प्रिट से जो आपके घर में मिलती है उसको स्प्रिट में डुबोइए, और इसको स्लाइड से